नवाबगंज में श्री राम बारात के अवसर पर नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई शोभा यात्रा का लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। जिला बरेली के नवाबगंज में आज श्री राम बारात के अवसर पर नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा के दौरान भाजपा नेता कामेश पांडे, अरविंद कुमार शुक्ला, संतोष गुप्ता, योगेश शर्मा, भाजपा नेत्री कोमल वर्मा, विश्व हिंदू परिषद की प्रखंड संयोजिका मीना गंगवार, कलावती समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। राम बारात के मौके पर तरह तरह की झांकियां निकाली गईं। शोभा यात्रा नगर के आकेजन भारत बारात घर से प्रारंभ होकर रामलीला में पहुंची। इस दौरान लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फिर उसके बाद रामलीला करी गई और पात्र किस तरीके से अपना किरदार निभा रहे हैं और इस शोभा यात्रा का भी लोगों ने भव्य स्वागत किया। देखो जो यहाँ खड़े हैं सीढ़ियों पर वो बैठ जाएं, सीढ़ियों पर जो खड़े हैं वो बैठे, जिनको दान करना है वो बैठ से जाकर के दान करें, नीचे जो बैठे उनको भी दिखने दो। आज लगभग तीन या चार शादियाँ हैं, लेकिन पता लगा था 11 शादियाँ कराई जा रही हैं। लोग फार्म ले गए, बहुत से लोग लौट कर नहीं आए, फार्म तो ज़्यादा ले गए लेकिन लौट कर नहीं आए इस कारण, और कोरोना महामारी के कारण वैसे भी कम की गई थी, इसलिए अब मेला प्रशासन के सहयोग से यूं ही सुचारू रूप से आगे चलता रहेगा। माननीय योगी जी ने जो हिंदू समाज के हित के लिए जो रामलीला का आयोजन किया है, इसके लिए हम उनके धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ये रामलीला जनता के हित में सुचारू रूप से चलने के लिए प्रशासन को। अच्छा, हर साल जितनी शादी होती है सावन होता है, आज तीन शादी में लग रहा है, तीन बजे वाले। हाँ, हम कह तो रहे हैं कोरोना महामारी के कारण बहुत सी चीज़ें संक्षिप्त की गई हैं,
इस कारण। लेकिन जिन लोगों शादियाँ 11 थी लेकिन बहुत से लोग फार्म ले गए, लोग नहीं आए विभिन्न कारणों से, किसी का हार्ट अटैक। शर्मा जी, आप श्री रामलीला सोसाइटी कमेटी है जो उसके कोषा अध्यक्ष हैं। आज नवाबगंज में रामलीला कोविड के बाद रामलीला मेले का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं समस्त नगर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ रामलीला मेले के, और जो हमारा जो मेला हो रहा है, नगर की जनता जो आ रही है वो रामलीला राम की मंचन देखने के लिए, वो सभी कोविड गाइडलाइन के तहत हो रहा है। और बस मैं ज़्यादा ना कुछ कहकर यही कहूँगा कि नगर की समस्त जनता को मेरी तरफ से रामलीला की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, चूँकि कोविड चल रहा है, शासन के दिशा निर्देश भी हैं, तो मेले में आने वाले श्रद्धालु ही कहेंगे हम, देख मेले में आने वाले उन श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या अपील करना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें, और हमारे जो कमेटी के लोग हैं वो मास्क वगैरह वितरण करा है काफ़ी, और लोग कर रहे हैं पालन। ठीक है, जानना चाहेंगे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आप इस मेले में आने के लिए क्या संदेश देंगे? श्रद्धालुओं से लगातार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से अपील की गई है कि आप मास्क लगा के आएँ और कोविड नियमों का पालन करें। मेला प्रांगण रोज़ सुबह शाम सैनिटाइज़र किया जा रहा है। आज 5-7 हज़ार मास्क कमेटी के द्वारा ही बांटे गए, लेकिन इसके बावजूद भी कम पड़ गए हैं। श्रद्धालुओं ने भी कोरोना गाइडलाइन का पालन किसी हद तक किया है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है ना हो पाया हो, इसका हमें खेद भी है। ज़्यादा संख्या होने की वजह से अक्षरशः सारे लोग पालन नहीं कर पाए, लेकिन मोस्टली पालन किया गया है। और इसकी पूरे दिन अपील जारी रही है ध्वनि विस्तारक यंत्रों से पूरे नगर में कि मेले में आएँ, 2 गज जरूरी, मास्क जरूरी, मास्क लगा के आएँ, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, दूरी बना के रखें, कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करने का प्रयास किया गया है। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। हर मोड़ पर, हर गली पर पुलिस तैनात की गई है। मेले के द्वारा जो सेवा समिति है उनके कार्यकर्ता भी सादा वर्दी में लगे हुए हैं। प्रशासन का, कमेटी का बहुत अच्छा तालमेल है। एक दूसरे के दूरभाष नंबर लोगों को दे दिए गए हैं, और बेहतर मीटिंग करके जो पुलिस ने जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से कमेटी, और जो कमेटी का अनुभव है पुलिस के द्वारा दिया, पुलिस को दिया गया है, उसके अनुसार से प्रशासन और कमेटी दोनों मिलकर अच्छा काम कर रही है। और उपजिलाधिकारी नवाबगंज बहुत अच्छे से निगरानी रखे हुए हैं, हर कमेटी के आदमी से और पुलिस प्रशासन पे उपजिलाधिकारी महोदय की लगातार निगाह है। 4-5 काल तो उनकी मेरे पास ही आ चुकी है, वो इस मामले में बहुत चिंतित भी है। मैं उपजिलाधिकारी महोदय का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेले के अंदर इतनी मुस्तैदी से व्यवस्था देखने का प्रयास किया। मैं कृष्ण कुमार गुप्ता, कानूनी सलाहकार श्री रामलीला सोसाइटी। सभी श्रद्धालु जो आ रहे हैं, दर्शक वगैरह, सभी कोविड 19 का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र वगैरह जो सोसाइटी कार्यालय में रखा हुआ है वो यूज करें, मास्क यहाँ से सोसाइटी कार्यालय से लें, कोविड 19 का पालन करें। हाँ,